देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,06,000 के पार हो गई। इनमें से 1,06,490 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 8,93,000 रह गई है और कुल 59,06,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से अधिक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 70,496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जबकि 78,365 मरीज ठीक हुए। हालांकि इस बीच 964 मरीजों की जान भी चली गई। ICMR के मुताबिक 8 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 8,44,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके थे, जिनमें से 11,00,000 सैंपल की टेस्टिंग गुरुवार को की गई। पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है, यानी कि जितने सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं उससे करीब 7% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस मौजूद है। एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना मामलों में मृत्यु दर गिरकर 1.54% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस यानी जिनका इलाज चल रहा है ऐसे मरीजों की दर भी घटकर 13% हो गई है। रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 85% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है और ये एक अच्छा संकेत है।